बहुत स्वागत है आपका हमारे बेहद खास कार्यक्रम शक्ति पूजा में। इंडिया न्यूज की ये विशेष पेशकश आपके धर्म की समस्त जानकारी के लिए। तो हम बात करेंगे माता ब्रह्मचारिणी की। द्वितीय नवरात्र को हम करते हैं आदि शक्ति के दूसरे स्वरूप की पूजा, यानी माता ब्रह्मचारिणी की पूजा। कौन है आखिर माता ब्रह्मचारिणी? माता ब्रह्मचारिणी वो देवी हैं जो पार्वती जी का दूसरा स्वरूप है। जब उन्होंने जाकर के भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए कठिन तप किया था और शास्त्र में कहा गया कि संबत सहस्त्र मूल फल खाए और साग खाई सत वर्ष गावाए, श्री रामचरितमानस में वर्णन है। और आकर के ऋषियों को भी ये शब्द कहना पड़ा कि अस तप काहुन कीन भवानी और भये अनेक धीर मुनि ज्ञानी। हे देवी, इस प्रकार का तप किसी ने नहीं किया। इतने सारे ऋषि मुनि हुए लेकिन इस प्रकार का तप किसी ने नहीं किया। माँ का स्वरूप बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है, बहुत शांत है, बहुत लुभावना है। सफेद वस्त्र में, क्रीम कलर के वस्त्र में, हाथ में कमंडल लिए हुए, उसमें सुंदर जल है। और कहा जाता है ब्रह्मचर्य युतम शीलम यस्या ब्रह्मचारिणी। जो देवी ब्रह्मचर्य से युक्त है, जो देवी मानसिक शांति को प्रदान कर देती हैं, जो देवी हमें टारगेट के प्रति पूरा फोकस करने के लिए तैयार करती हैं, इस देवी के पूजन से हमारे आचरण पर कंट्रोल होता है। इस देवी के पूजन से बच्चों का पढ़ाई में मन लगता है। इनके पूजन से हमें मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। और एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात बता दूं, इनके पूजन से जिस कन्या को मन चाहा वर ना प्राप्त हो रहा हो, उसको मन चाहा वर प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए माता पार्वती ने इसी स्वरूप में श्रद्धा पूर्वक तपस्या किया था। तो जो कन्या इन देवी की श्रद्धा पूर्वक आराधना करती है, उस कन्या को मन चाहा खासकर प्रेम विवाह में वर प्राप्त हो जाता है। कैसे स्थापित करें मां को? जैसा कि अगर आपने पहले नवरात्र को स्थापित कर लिया है तो उसके साथ सफेद या क्रीम कलर के वस्त्र, या तो सफेद वस्त्र या क्रीम कलर के वस्त्र, उसमें हल्का सा हल्दी लगा दें और हल्दी लगा करके श्रद्धा पूर्वक जाकर के मां को अर्पण कर दें। श्रद्धा से वस्त्र मां को अर्पण कर दें और आंख बंद करके अपने मन में जो भी कामना है, यदि आपके बच्चे पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान नहीं दे रहे हैं या आपके बच्चे पारिवारिक जो संस्कार हैं, जो मूलभूत संस्कार हैं, उसका पालन नहीं कर रहे हैं, या आपके बच्चे जीवन में कामयाब नहीं हो रहे हैं, या आपके परिवार में अंतर्कलह बहुत ज्यादा बनी रहती है, तो सफेद वस्त्र या क्रीम कलर का वस्त्र जाकर के मां को श्रद्धा पूर्वक आपको सबसे पहले अर्पण करना है। हाथ जोड़ करके मां से प्रार्थना करना है कि मैं बड़ी श्रद्धा से, बड़ी विनम्रता से आपकी शरण में आया हूं या मैं आई हूं। हे मां, जाने अनजाने में, इस जन्म या पूर्व जन्म में यदि मुझसे कोई भी इस प्रकार का कर्म हुआ है जो आपकी कृपा हम तक नहीं पहुंच पा रही है, बाधा उत्पन्न हो रही है कृपा के आने में, तो मां हम पर अपना आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार करके माँ को श्रद्धा पूर्वक वस्त्र अर्पण करें। वस्त्र अर्पण करने के बाद माँ को स्नान कराएं। पूजन में पांच चीजें माँ को बड़ी प्रिय है, पांच चीजें आपको विशेष रूप से प्रयोग करना चाहिए। एक तो पूजन में गंगा जल जरूर होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, सफेद वस्त्र के साथ माँ के पूजा में गंगा जल जरूर होना चाहिए। तीसरा, बेल का पत्र जरूर होना चाहिए। ये श्री रामचरितमानस कहता है कि संबत सहस्त्र मूल फल खाए। कुछ समय ऐसा था जब माने बेल के पत्र का ही सेवन किया और बेल का पत्र ही भगवान शिव को अर्पण करती थी, तो इसलिए बेल का पत्र पूजन में जरूर अर्पण करना है आपको। नारियल से बनी हुई मिठाई, ध्यान रखिएगा, मिष्ठान में माँ को सबसे अधिक क्या प्रिय है, तो नारियल से बनी हुई जो मिष्ठान आती है आप घर में बना सकते हैं। नहीं बना सके तो नारियल को कद्दूकस करके उसमें चीनी मिश्रित करके और वही श्रद्धा से माँ को अर्पण कर दें, निश्चित रूप से माँ कृपा प्राप्त होगी। पूजन का समय क्या है? 5 बजे से लेकर के, पूजन का समय शाम को 5 से लेकर के, जो सुबह पूजन का समय होगा 5 से लेकर के 7 बजे तक का,
शाम को जो पूजा का समय होगा 6:30 से लेकर के 7:30 तक। खास उपाय क्या है, बेलपत्र में अगर कोई भी कामना मन के अंदर है, बेलपत्र लीजिए, उस पर पीले चंदन से ओम अंकित कीजिए। ओम अंकित करते हुए मन सदैव माँ के स्मरण में रहे, ओम अंकित करके और माँ को अर्पण कर दीजिए। एक सुंदर मंत्र का जप कीजिए, या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्रद्धा पूर्वक कीजिए, माँ का आशीर्वाद प्राप्त होगा, आपका जीवन सुखमय होगा। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।